हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वह फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से जनरल स्टोर का पोस्टर कैसे बना सकते हो। अगर मैं आपको यहां पे पोस्टर दिखाऊं तो यहां मैं अपने पिक्सल लाइन में जाता हूं और यहां पे दोस्तों आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो अपने जनरल स्टोर का पोस्टर बनाया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा ही पोस्टर बनाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लाइन एप्लीकेशन से, तो कैसे आप बनाओगे तो आज के इस नए वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो उसका जो पी फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा रहेगा पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जोड़ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप जो इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके बैनर पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में जाने के बजाय यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ और यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो एक लिंक आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जो ऐसा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो आपको जो उस लिंक पर क्लिक करना है। जिस आप लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो लिंक रहेगा आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउजर में ओपन होते ही कुछ इस तरीके से आपको लिंक नजर आएगा। यहाँ पे आपको जनरल स्टोर के नाम से आपको जो फाइल का नाम रहेगा और साइड में आपको छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जो भी फाइल दिया रहेगा वो फाइल यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिंक पे क्लिक करके जो भी फाइल दिया गया उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने में दोस्तों अभी आपको करना है, यहाँ पे अभी आपको अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मेरा फाइल है पीएल फाइल है उसमें पासवर्ड लगा हुआ, तो पासवर्ड के लिए दोस्तों आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जिस आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को होम पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे तो फोन स्टोरेज के नाम से आपको जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपके फोन स्टोरेज जितने भी सारे फोल्डर रहेंगे वो सारे फोल्डर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हमने पील फाइल को रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने फाइल को डाउनलोड पे लगाया हुआ था वो मेरा फाइल डाउनलोड होके यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड के फोल्डर में ऐड है, तो एरा मेरा डाउनलोड का फोल्डर। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो जनरल स्टोर डॉट जेपी के नाम से आपको फाइल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अभी आपको करना क्या, अभी आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो फाइल कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। नीचे आपको स्टार्ट ऑल करके ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन लिखा गया है स्टार्ट डाउनलोड करके, यानी कि आपको जो पीएलपी फाइल है आप इसी डाउनलोड के फोल्डर में स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फोल्डर करके, यानी कि आपको जो पीएलपी फाइल है आप किसी और फोल्डर में अलग से उसमें एक्सटेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आप उस फोल्डर में एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए मुझे इसी डाउनलोड के फोल्डर में एक्सटेंड करना है। तो यहाँ मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपको वीडियो में 3 जगह देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ मैं उस पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया हुआ है, लिखने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो भी फाइल दिया रहेगा वो फाइल यहाँ पे आपका स्टार्ट करके कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिंक पे क्लिक करना है और फाइल जो भी दिया है उसको डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डाल के फाइल को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ मेरा जो फाइल स्टार्ट करके कंप्लीट हो चुका है। इतना काम करने के बाद यहाँ पे अभी आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप स्टार्टिंग में ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन रहेगा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और यहाँ पे आपको करने यहाँ पे दोस्तों आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको माय प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे जो भी पीएल फाइल है वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जिस भी बैनर के बारे में बता रहा हूँ वो बैनर का यानी वो मेरा जो पीएल फाइल यहाँ पे पहले से यहाँ पे दे सकते हैं। और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पीएल फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जो आप मेरे लिंक से फाइल को डाउनलोड करोगे उसको आपको यहाँ पे कैसे ऐड करना है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको माय प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने बाद देखोगे साइड में डॉट पीएलपी के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो भी फोल्डर रहेंगे पील फाइल को वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो मेरा जो फोल्डर का नाम था जनरल स्टोर के नाम से था, तो यहाँ पे देखोगे जनरल स्टोर के नाम से एक फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको उस फोल्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो पील फाइल आपके यहाँ नजर आएगा, तो यहाँ पे अभी आपको करना है आपको इस पील फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो पील फाइल रहेगा उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ऑप्शन लिखा गया ओपन ओनली करके, यानी कि आपको जो पील फाइल है आप अपने पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन एंड ऐड करके, यानी आपको जो पील फाइल है आपके पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन भी होना चाहिए साथ में ऐड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो जैसे मैंने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे मेरा जो पील फाइल है पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। और अगर आप देखना चाहते हो मेरा जो पील फाइल ऐड कहाँ पर हुआ तो उसके लिए इस माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे, ऊपर देखोगे तो मेरा जो पील फाइल यहाँ पे पहले से यानी कि मेरा जो अभी ऐड हो चुका है और यहाँ मेरा देखोगे तो पहले से एक मेरा पहले से ऐड है। तो चलिए अभी के लिए मैं इस पील फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से पील फाइल है। और यहाँ डिलीट करने के बाद मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो पील फाइल यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन ओपन हो चुका है।
चुका है। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको यहाँ पर जो अपना बैनर पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ मैंने एक साईं बाबा का फोटो लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जिस भी भगवान का या गणेश जी का हो गया या दुर्गा माता का जिसका भी फोटो लगाना होगा लगा सकते हो। आपको उसको बस खाली डाउनलोड करना होगा नेट से, और डाउनलोड करने बाद इसको आपको सेलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आपका इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी इमेज लगाना है प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे आपने जो भी इमेज को रखा अपने इस बैनर पोस्टर में लगाने के लिए उस इमेज को यहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐड करके दिखा था। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ श्री गणेशाय नमः, इसको आपको रहने देना है। अगर आपको इसको हटाना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक करोगे, जो भी इमेज रहेगा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके डबल टैप करना, और जो भी नंबर लिखा गया उसको कट कर देना है, जो भी नाम लिखा है उसको कट कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालना है, जो भी नाम डालना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मैं कोई मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, इस एग्जांपल की मैंने यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर लिखा, और यहाँ पे चलिए कुछ मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ सूरज, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे सूरज शर्मा लिख देता हूँ, मैं सूरज शर्मा, तो यहाँ पे मैंने सूरज शर्मा लिखा, और यहाँ पे मैं डन करके ओके करता हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है इसका साइज में कुछ इस तरह से करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हो, जैसा भी आपके पास स्पेस है। और यहाँ पे आपको सेट करने में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ सौरभ जनरल स्टोर करके, तो यहाँ पे आपको जो भी नाम रहेगा, जो भी आपको नाम डालना है शॉप का, जो भी आपके दुकान का नाम लिखना है वो आप लिखोगे। तो लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करके डबल टैप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सौरभ जनरल स्टोर, इसको मैं कट करके यहाँ पे जैसे मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, यहाँ मैंने लिखा सूरज जनरल स्टोर करके, और यहाँ मैं डन करके मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मेरा नाम चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हो। और नीचे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल के लिए, हमारे यहाँ पर दाल चावल गेहूँ चीनी आलू प्याज सभी प्रकार के किराना स्टोर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है, कुछ इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना होगा तो इसको सिलेक्ट करके डबल टाइप करोगे, जो भी लिखा है उसको कट कर देना है आपको। अगर आपको यही चीज़ रहने देना जो भी मैंने लिखा हुआ, तो अगर आपको यही चीज़ रहने देना है तो रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ लिखना है तो इसको जो भी लिखा है इसको आपको कट करोगे, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी लिखना है लिखोगे, उसके बाद डन करके यहाँ पे ओके करोगे, तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान का पीएनजी इमेज लगा हुआ, तो यहाँ पे अगर आपको इसको रहने देना है रहने दे सकते हो। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इसको आपको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप जो भी इमेज को डिलीट करना चाहते हो सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक करोगे, वो इमेज आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना इमेज लगाने के लिए प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है, और जहाँ पे भी आपने इमेज को रखा हुआ है लगाने के लिए अपने इस बैनर पोस्टर में, यहाँ पे आप उस इमेज को ओपन करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता। तो यहाँ पे चलिए जैसे एग्जाम्पल मैं पिक्चर के फोल्डर में जाके एक बार देख लेता हूँ, अगर रहेगा तो कोई मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है इस इमेज को ही ऐड कर लेता हूँ, ये वाला इमेज है, इसको यहाँ पे ओपन करने वाला नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ, मेरा इमेज यहाँ पे आ चुका है। साइज में इसका छोटा करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपके पास इमेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो आप एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। जैसे एग्जांपल में मैंने कुछ यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद डबल टैप करना, जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस डालना है वो आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, तो लिखने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है, उसके बाद ओके करना है, तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस रहेगा चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, मेरा जो जैसे पहला था मैं वैसा करता हूँ। और यहाँ दोस्तों जब आपका बैनर पोस्टर यहाँ पे बना के कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा, तो उसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो डायमेंशन में आपको कस्टम का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अल्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो भी बैनर पोस्टर बना रहेगा वो बैनर पोस्टर आपके गैलरी में जाके HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। दोस्तों बस आपको इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से जनरल स्टोर यानी कि किराना स्टोर का बैनर पोस्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने जो किराना स्टोर का बैनर पोस्टर बना सकते हो। तो जाइए अभी बनाइए, इसका जो पीएलएफआई का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आपको वीडियो में 3 बार देखने के लिए मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।